हकीम साहब, आप अक्सर प्रोग्राम में एक बात कहते हैं शीला जीत को लेके। कई लोग हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है, तो आज मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि शीला जीत है क्या और इसके फायदे क्या क्या हैं। देखिए, एक तो शीला जीत पहाड़, जो आग का पहाड़ होता है उससे जो निकलने वाला लावा होता है उसको कहते हैं। आग का पहाड़ कहीं से भी फूटता है और वो इतना आग ही आग पूरे पूरे जंगल जला देता है, फैल जाता है बहुत कई कई सौ किलोमीटर तक। इसे वो आग जब ठंडी हो जाती है और वो सूख जाता है तो वो एक लावा होता है, एक ऐसा लावा जिसे पूरे इलाकों में फैल जाता है, उसको जमा करते हैं और उसको साफ करते हैं, क्योंकि वो तो ज़मीन में फैल जाता है, उसको फिर साफ करते हैं और उस वो है बहुत ताकतवर और रईस लोग उसे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और अक्सर नकली भी मिलता है, बहुत ज़्यादा इसकी नकल भी आती है, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है और बड़ी मुश्किल से उसको साफ़ किया जाता है, उसको हासिल किया जाता है। लेकिन वो एक अजीबोगरीब दवा है और मैंने इतनी ताकतवर दवा नहीं देखी कि जो आप आधा ग्राम अगर खा लो तो आपका पूरा शरीर में वलवला पैदा हो जाए, एक ऐसी आग, क्योंकि ये एक आग का लावा का चीज़ है तो पूरे जिस्म में एक ऐसी ताकत, एक ऐसी तवानाई फैल जाती है और बहुत से रोगों में काम आती है। जी हकीम साहब, आपने कहा कि इसकी असलियत जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नकली भी बहुत मार्केट में मिलता है, तो क्या ये हमारी कंपनी से ले सकते हैं? यानी कि आपकी कंपनी से अगर कोई भी दर्शक संपर्क साधता है शीलाजीत के लिए तो क्या आराम से मिल जाएगी? हाँ, मिल तो जाएगी लेकिन आराम से नहीं मिलेगी जी। इसकी दरअसल असली की डिमांड बहुत है, नकली से तो मार्केट भरी हुई है, लेकिन हम लोग बनाते हैं लिक्विड शीलाजीत, मतलब उसको बहुत अच्छी तरह से पाक करके साफ करके, और वो सिर्फ आधा ग्राम लेनी होती है और थोड़ा टाइम लगता है, आदमी परेशान हो जाता है, शिकायत करता है कि हमने ऑर्डर किया था और हमें पहुंच नहीं रही, लेकिन हम असल जब तक नहीं होती जब तक नहीं भेजते, और असली चीज़ की हमेशा पूरी दुनिया में डिमांड रहती है, तो कभी असली चीज़ चाहिए तो डिमांड कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। अरुण है दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है अरुण आपका। हेलो जी, नमस्कार हकीम साहब। जी आदाब अरुण जी, फरमाइए। हकीम साहब, मैं पूछने जा रहा था कि मेरा जबान में लकनत है, जबान ठीक से ना बोल नहीं जाता। समझ गए, काफी टाइम से दिखाया, खुश नहीं। एज बता दीजिए अपनी। 51 साल। और कब से है ये लुकनत आपके, तुतलाते हैं? 10-11 साल, धीरे धीरे वो हो गए। ये वो हुआ था क्या, फालिज वगैरह कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो देखिए जैसे अभी बात चल रही थी शीलाजीत की, तो ऐसे लोग जिनको कमज़ोरी आ जाती है जबान में, वॉइस बॉक्स में, या चाहे फालिज हुआ हो उन्हें, जो पैरालिसिस हो जाता है, तो उन लोगों के भी बड़े काम किए हैं, क्योंकि बेइंतहा ताकतवर चीज़ है। जिन लोगों को फालिज हो जाता है वो लोग भी ले सकते हैं। आधा ग्राम एक लिक्विड होता है, आधा ग्राम सिर्फ खाना है पूरे दिन में, और अगर आप लिक्विड शीलाजीत लेंगे, आधा ग्राम से ज़्यादा मत खाना, काफ़ी ताकतवर होती है और ये रईसों की चीज़ है, बड़े बड़े स्टार और ये बड़े बड़े नायक और विधायक और ये सब लोग खाते हैं। आप भी इसको कोशिश करें तो 2-3 महीने अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लुकनत ठीक होना मुमकिन है।
तो चलिए, जो परेशानी आपके साथ चल रही है वो ज़रूर ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा, लेकिन ये देसी नुस्खे इतने कारगर साबित होंगे कि आपकी परेशानी जड़ से ख़त्म हो सकती है। फ़ोन उठाइए दर्शकों, अगर आप लोग हर एक रोग को अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इन्हीं नंबर्स पर आप संपर्क साध सकते हैं जो आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सुरेश बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी, सवाल कीजिए। जी सुरेश, मीटिंग कब से बात करेंगे? जी सुरेश भाई, आदाब, बताइए क्या सवाल है? जी साहब, मैं ना, मेरी उम्र 24 साल है और मैं ना जिम करता था, तो मेरे ना, मैंने वेट ज्यादा उठा लिया था, तो मेरे लोअर बैक में ना दर्द रहने लगा है, तो वो ठीक नहीं हो रहा है। मैंने काफी इलाज भी कराया इसका, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है, वो दर्द ऐसे की ऐसा बना रहता है। एज बता, सोते टाइम ज्यादा होता है। एज बता दीजिए। 24 साल। तो देखिए, बहुत जल्दी ठीक होते हैं यंग बच्चे, और उनको दवा देने में भी हमें अच्छा लगता है, और ये ठीक हो जाएगा, और यूनानी से ठीक होता है ये। किसी को भी मसल्स पेन, लोअर बैक पेन, जोड़ों का दर्द या इस तरह का कोई भी मर्ज हो, मोंढे का दर्द हो, तो एक बहुत आसान नुस्खा मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ और लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। देखिए, गोंद आता है एक, स्याह गोंद के नाम से, गोंद स्याह यानी काला गोंद, ये मुश्किल से मिलता है, नकली मिलता है काफ़ी, असली लेना, कड़वा होता है जायके में। ये आप खाली 100 ग्राम खरीद लें और इसका पाउडर बना लें, मम्मी से कहना वो पाउडर बना देंगे, और 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद खा लें, दूध से लेना आप 2 चुटकी, ये चुटकी है, 2 चुटकी में जितना भी आए इसका पाउडर खा लें। रॉ मटेरियल ही लेना, कोई पिसा पिसाया दे बिल्कुल नहीं लेना, कोई इसकी गोली दे बिल्कुल नहीं लेना, ये रॉ मटेरियल लेना। तो 2 चुटकी सुबह, 2 चुटकी शाम दूध से लें आप खाने के बाद, और 2-4 हफ्ते में ही आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, तो 2-4 हफ्ते में ही अगर आप फ़ायदा उठाना चाहती हैं, लाभ लेना चाहती हैं, तो ये देसी नुस्खे ज़रूर अपनाइएगा। नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। लक्ष्मी है बाराबंकी से हमारे साथ, स्वागत है लक्ष्मी आपका। हेलो जी, नमस्कार हकीम साहब। जी आदाब लक्ष्मी जी, बताइए क्या सवाल है? हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहते हैं, हम बहुत दिनों से आपका कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं। कल मेरे हस्बैंड ने आप मेरे बारे में बात करी थी कि मैं वो नहीं ले पा रही हूँ, माजू मार केयर जी, तो उसके एवरेज में कुछ और नहीं ले सकते हैं क्या? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। देखिए, माजून आर्कियर एक ज़्यादा फायदेमंद दवा है। उन्होंने कहा था कि उसकी जो स्वाद या खुशबू उन्हें पसंद नहीं है, तो मैंने कहा था कि उसमें अपना पसंदीदा फ्लेवर भी मिला सकते हैं, या इसमें और ज़्यादा शहद भी मिला सकते हैं, जो आपको फ्लेवर पसंद है इसको इसमें मिला सकते हैं, या आप इसका सूखा हुआ भी, वो आता है माजून आर केयर की जगह कैप्सूल आर केयर भी आप ले सकते हैं, ये कैप्सूल फॉर्म में आप ले सकते हैं, आपको फायदा मुमकिन है जी। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है आरबी शर्मा गाजियाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी, बोलिए। जी जी शर्मा साहब, आदाब, बताइए क्या सवाल है? जी आदाब, बताइए शर्मा साहब। भाई साहब, मेरे को करीब 20-22 साल से तो हार्ट की प्रॉब्लम है जी, और अभी 3 साल पहले जो है मेरे को जो है ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया। अब 4 महीने पहले फिर दोबारा ब्रेन हेमरेज हुआ, पैरालिसिस हुआ। अब 8 महीने से मेरे जो है पेशाब की नली लगी है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है 60% मेरा। मैं ऑपरेशन कराया नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा इलाज ऐसी आपके थ्रू हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, और सुखड़ जाए तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, आपको फायदा पहुंचेगा, आप मेरी बात गौर से सुने और पेन कॉपी निकाल लीजिए, लिख लीजिए, और मैं घरेलू नुस्खा भी बताता हूँ और दवाई बताऊँ आपके तीनों रोग के लिए, आपके प्रोस्टेट के लिए,
आपके ब्रेन हेमरेज के लिए, पैरालिसिस के लिए, हार्ट के लिए और जितने दिल से ताल्लुक़ रखने वाली तकलीफ़ हैं, यानी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कुछ भी है, और आपका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, एक नुस्खा और चार काम। और इसमें चार चीज़ें, देखिए, नींबू लीजिए, उसका एक लीटर जूस निकालिए नींबू का, अदरक का एक लीटर जूस निकालिए, इसका जूस का वज़न एक लीटर होना चाहिए, और लहसुन का जूस निकालिए एक लीटर, ये तीन लीटर हो गया। एक लीटर बहुत अच्छे किस्म का आपको जैतून का सिरका, ऑलिव का सिरका, ऑलिव ऑयल आता है ना उस, और ऑलिव का सिरका भी आता है, विनेगर भी आता है, ऑलिव का सिरका, जैतून का सिरका कहते हैं, इन सबको मिक्स कर दीजिए। अब इसे आप चाहे बाहर रखें, चाहे फ्रिज में रखें, चाहे कहीं रखें, ख़राब कभी नहीं होता, ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होता, इसकी ये तासीर है। और आप ये तीन चम्मच सुबह नाश्ते के बाद पी लीजिए, और खूब पानी पीजिए गर्म, और तीन चम्मच रात को सोते समय पी लिया करें। ये चार लीटर की मकदार जो इसका वज़न है, ख़त्म होते होते आपके तीनों चारों रोगों में फ़ायदा होना मुमकिन है, और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं जी। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं, अंजना एमपी से हमारे साथ, स्वागत है अंजना आपका। नमस्कार हकीम साहब जी। आदाब अंजना जी। हाँ, कल आपसे बात हुई थी, लेकिन मैं इतनी खुश हो गई थी कि आधी बात हो पाई थी, आधी नहीं हो पाई थी। हकीम साहब, वो मैंने दवाई मंगाई थी शिवरंजीत वाली आपका, वो आज आ गया है, तो वो नमक जैसा सफेद है ना। हाँ हाँ हाँ। तो उसको किस हिसाब से लेना है, किस मात्रा में, एक चीज। और आपने कल हमें बताया था कि हार्ट के लिए वो नींबू का रस, अदरक का रस, लहसुन का रस और सिरका, तो इसकी कितनी कितनी मात्रा कब तक लेना चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है, आप गौर से सुनिए। सिरका आपको लेना है जैतून का, लिख लीजिए जैतून का सिरका, और बाकी नस्खा ठीक है। मात्रा ये जितना आप बनाना चाहें, सबका वज़न बराबर होना चाहिए। एक एक लीटर का बनाना चाहें तो एक एक लीटर का बना लीजिए, आधा आधा लीटर का बनाना चाहें तो आधा आधा लीटर का बना लीजिए। इसकी मात्रा खुराक की तीन चम्मच सुबह, तीन चम्मच शाम खाने के बाद पानी के साथ, और पानी खूब पिया करें गर्म, जितना भी पी सकें। मैं खुद 5 बार पानी पीता हूँ गर्म, और स्वस्थ रहता हूँ, बुढ़ा आदमी हूँ लेकिन स्वस्थ रहता हूँ। वही स्वस्थ रहने के जो नुस्खे हैं वो आपको शेयर करता हूँ, जिससे आपको भी फ़ायदा होता है, ये मेरे तजर्बे से गुजरे हुए। अच्छा, शिवरंजनी बूटी एक एक चुटकी सुबह शाम खाते हैं, और पानी मिलाकर, सालन में, सब्जी में मिलाकर खा सकते हैं, और घर से जो मर्द बाहर जा रहे हैं उनको दे सकते हैं, और आते वक्त भी एक चुटकी खिला सकते हैं। ये नमकीन नहीं होता, ये नमक नमकीन नहीं होता, ये ऐसा खारी पानी का स्वाद जो होता है, हैंडपम्प के पानी का, ऐसा होता है, लेकिन बहुत फायदेमंद है, आप इन्हें शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हैं सविता अंबाला से हमारे साथ, स्वागत है आपका सविता। हाँ जी, हाँ जी जी, बताइए। मेरी उम्र है 55 साल, और मेरे से पहले मतलब वो हो गया था, जॉन्डिस हो गया था, 6 साल हो गए हैं। अच्छा, जॉन्डिस मेरा ठीक नहीं हो रहा था, तो वो डॉक्टर बोल पीजिए मेरा इलाज चला, तो वो बोले कि अंदर से जो नसें हैं वो दो दब गई हैं। अच्छा, उन्होंने उसमें फिर वो डाल के तार थी नसों को खोला, उसके बाद मेरे को बुखार आने लग गया। अच्छा, बुखार आने के बाद काफी इलाज करवाया, उसके बाद आराम आया। अब मेरे को शुगर हो गई, फिर शुगर के साथ अब यूरिक एसिड है, थायराइड है, जिससे मेरे को थोड़े दिन तो मैं ठीक रहती हूँ, उसके बाद 99 बुखार हो जाता है, उसके बाद सारा शरीर टूटने लग जाता है, और पैरों में जलन होती है। अच्छा, गर्म दवाई खाती हूँ तो उससे मेरे यूरिन में जलन होती है, तो मैं क्या करूँ फिर? एज कितनी है आपकी? एज 55 साल। अच्छा, देखिए, अगर किसी को बुखार आता रहता है
तो डॉक्टर को समझ जाना चाहिए कि कहीं इन्फेक्शन अभी भी बाकी है, और इन्फेक्शन की दवाई लीजिए आप। और एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ जो आपके दो रोग पर काम करेगा, एक तो आपके जो शुगर है उसको कंट्रोल करेगा, इन्फेक्शन में काम आएगा, और थायराइड को अच्छा करना कर सकता है। तो देखिए, अपना धनिया आप पीस लीजिए 100 ग्राम, धनिया, मेथी, आंवला 100 ग्राम लेकर पीस के रख लीजिए, और एक सिरका मिलता है जैतून का सिरका, जैतून का सिरका 2-3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद लिया करें। और पहले ये जो पाउडर मैंने आपको बताया, ये पाउडर 1 चम्मच खा लिया करें। थायराइड की गोली भी ना छोड़ें, थायराइड की गोली हर महीने कम होती जाएगी, आपको इतना फ़ायदा शुरू हो जाएगा, थायराइड से आपको निजात मिल गई, समझ लीजिए बहुत बड़ी बीमारी से मिल गई। तो ये 1 चम्मच खाएं, ये जो पाउडर बनाया आपने, और 3 चम्मच आपको लेना है जैतून का सिरका, और ऐसे ही रात के टाइम भी अगर आप ये लगातार 4-5 महीने लेते हैं तो शुगर भी कंट्रोल रहेगी, पेशाब की जलन भी नहीं होगी, इन्फेक्शन ठीक रहेंगे, और आप तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं।